भाई ये देखो कितने सारे क्रिसमस ट्रीज लगा दिए हैं गोकुलधाम सोसाइटी के एंट्री पे। ये देखो भाई फॉर्च्यूनर डीजे बिल्कुल रेडी हो चुका है गोकुलधाम की न्यू ईयर की पार्टी के लिए। गोकुलधाम सोसाइटी लिखा हुआ वहाँ पे क्रिसमस ट्री, छतों पे भी क्रिसमस ट्रीज, इतनी लाइटें निकलेगी भाई वो बहुत ही प्यारी लगेगी गोकुलधाम सोसाइटी में। देखो भाई पूरे लॉस सैंटोस में बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ भाई। जी वैगन और स्कॉर्पियो भाई एक लाइन में। ये देखो भाई अपनी स्कॉर्पियो है भाई। ये पूजा डीजे काफी दिनों बाद आया बुकिंग से भाई। हो काफी ज्यादा बर्फबारी हो गई रे, इस पे भी मेरे तो भेल गीले हो जा रहे हैं। ओ नो, मैं सोच रहा था बाहर भाई थोड़ी सी सनलाइट सी आई है उसमें बैठ जाऊं। सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग, होप करता हूं सब मजे में होंगे। एक और जीटीए की ब्रांडेड वीडियो में। तो देखो चोपड़ी को, देखो चोपड़ी को, भैंस की आंख चोप भी भाई यहां पे बैठा। अरे तेंदुलकर अंदर चले जा, अंदर यहां पे बैठा आराम से भाई चौधरी बन के। पता नहीं इसको थोड़ी सी धूप सी आई है ना गाइस। ये देखो तो हम सोच रहे थे यहां पे थोड़ा चिल कर ले क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस में बर्फबारी देख सकते हो कितनी खतरनाक हो चुकी है। रे 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 बेडू क्या होगा रे हमारा तो इस शहर में। बाकी ये देखो भाई साहब, मैं आपको फोन ऑन करके दिखाता हूँ, अपने कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ भाई, जूम करके। ये देखो भाई पूरे लॉस सैंटोस में बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। भैंस की टेंट, ये देखो पेड़ों पे भी कैसी जम गई है बर्फ। पर कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बर्फ का भी सीजन अच्छा होता है हमारे लिए क्योंकि उस टाइम पे हमें काफी ज्यादा घूमने को मिलता है, कहीं कहीं जाने को मिलता है। तो गाइस हम सोच रहे हैं कि एक बच्चों के लिए एक ट्रिप प्लान करें, जैसे कि जैसे कॉलेजेस वगैरह ना उन बच्चों के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं इलेक्शन की रैली के लिए ताकि वो हमें वोट दे। तो उस चीज़ के लिए हम प्रक्रिया जारी कर दी गई है कि हमारा पता करें कितना खर्चा आएगा, कितना कहाँ कहाँ किसको जाना है, सर्वे करवा रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अंदर तो हीटर चल रहे हैं तो अंदर इतनी दिक्कत नहीं हो रही, बाहर तो बहस क्या कपकपा जा रहे हैं रे बिल्कुल ही। तो गाइज अभी आज का सीन क्या होने वाला है, जो गोकुलधाम वाले हैं जेठालाल अंकल, जेठालाल अंकल कह रहे हैं कि फ्रैंकलिन भाई फटाफट आ जा, बहुत ही काम करना है, न्यू ईयर भी आ रहा है, वहाँ की प्रिपरेशन करनी है और डीजे वगैरह भी मंगाने हैं भाई सिटी में, कुछ डीजे तो वहीं पे खड़े हैं। तो गाइज हमें आज जाना है गोकुलधाम में एंड वहाँ की चीज़ें देखनी है काफ़ी ज़्यादा कि कैसे क्या करना है। न्यू ईयर का क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर लिया उन्होंने अच्छे तरीके से, काफ़ी आपने भी देखी थी कि प्रिपरेशन कितनी तगड़ी थी। अब है न्यू ईयर की बारी, तो न्यू ईयर की बारी से पहले अभी ब्रश व्रश कर लें और ब्रश व्रश करने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से बिल्कुल रेडी होके, लेट्स गो। एंड बाहर देखना अभी गाड़ी दिखाएंगे आपको, गाड़ी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो दोनों में से एक है, कुछ चेंज है वो भी। बाकी ये देख सकते हो गाइस अपनी व्हाइट कलर की अपनी स्कॉर्पियो क्या लग रही है। ओहो हो भाई बर्फ में कितने तरीके से भाई भाई भाई, जी वैगन और स्कॉर्पियो भाई एक लाइन में। ये देखो भाई अपनी स्कॉर्पियो HR 3001 तो क्या ही लगती है भाई, पूरा मजा आ रहा चलाने में भाई। व्हाइट कलर की गोरी चिट्टी अपनी गड्डी एंड व्हाइट कलर की बर्फ पड़ी हुई भाई, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। पर ये देखो भाई बर्फ में स्कॉर्पियो तो अपनी अलग ही लग रही है। ओ ये भाई 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 एक नंबर भाई, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो भैंस की यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जैसे कि जब भी बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे देखो ना रोड का पता है ना कुछ पता है। तो गाइस यहाँ पे हम एक चीज करवाएंगे, अगर हम इलेक्शन जीते तो हमें एक चीज़ बिल्कुल करानी है यहाँ के लोगों के लिए कि दोनों साइड हम डिवाइडर लगवाएंगे एंड डिवाइडर के हिसाब से लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी कहाँ से निकल रही है, किस रोड से निकल रही है। वाह वाह बेटे बिल्कुल लॉस सैंटोस में देख सकते हो भाई कितनी बर्फबारी हो चुकी है। उसके बाद देखो पब्लिक कम हो जाती है, ट्रैफिक यहाँ पे देखा था आपने कैसे भर भर के ट्रैफिक होता था, पर अब देखो एक एक ही दुख की गाड़ी दिख रही है, देखो दो कभी एक। ये देखो भैंस की यहाँ पे आराम आराम से चलना पड़ेगा भाई। यहाँ देखो ऐसी ऐसी चीज़ कह रहा था गाइस, देखो ये जो ये लगा रखे ना लकड़ी के, ये डिवाइडर टाइप ही मान लो इन्हें, ये चीज़ लगवानी है एंड फिर देखना भाई साहब मजा आएगा बिल्कुल ही। अरे अब मैंने खींच दिया भाई रेस HR 3001 की। अरे ले बेटे मौज कर दी, ये ले भैंस की टेंट, देखो गड्डी छलांगा मार दी, 150 से छलांगा मार दी जा रही है अपनी गड्डी बिल्कुल ही एक नंबर। और जेड ब्लैक सी से गाड़ी काली रखू मैं, अरे भैंस की अभी तो हिरण का काला बन जाता रहे। ये देखो ओ भाई 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 आराम आराम से इसी से बहुत जल्दी है टोर्नेडो वालों को। ये भैंस की विंटेज कार है वैसे गाइस, देखो ये भैंस की मोटी 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 पार्टी वाली गाड़ी। अरे अब तेरी भैंस की टैट रहे, ओए कैसे छूरा है बना दो चौधरी, कौन बैठा रहा है ताऊ, रहन दे बस तेरी शर्म कर रहा हूँ मैं थोड़ी। बाकी ये देखो भाई जेड ब्लैक सी से गाड़ी काली रखा रहे, अरे काली तो नहीं है अपनी बाइक, अरे काली करवा दे क्या तुम बोलो भैंस की, कमेंट करो कल की कल काली करवाएंगे इसे, अब गाना बैठेगा ना फिर सूट करेगा ना, जेड ब्लैक सी से गाड़ी काली रखा रहे फ्रैंकली। पर यार काली तो फिर गुंडों वाली हो जाती है भैंस की, फिर तो हम बदमाशी करने लग जाएंगे, बदमाश तो हूँ ही वैसे मैं बिल्कुल ही। ये देखो भाई ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग देख रहे हो, अरे ऐसे स्टंट दिखाया करे क्या, कोई है कि कोई टक्कर में फ्रैंकलिन द क्लिंटन, वो ऐसे थोड़ी ना बोलते तुम्हारे भाई को बिल्कुल ही। तो अभी चलेंगे गाइस
अपनी जो गोकुलधाम सोसाइटी में, एंड वहाँ पे दिखाएंगे आपको अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब चीजें इन द सेंस यूनिक यूनिक चीजें। ओ इधर क्या चल रहा है? अरे रेस करोगे? मेरे कह करोगे कि रेस? अरे आ जाओ ना। अरे चौधरी भाई, ये बच्चे देखो यहाँ पे साइकिल से रेस कर रहे हैं और हम भैंस के यहाँ पे अपनी गड्डी लेके घुस चुके हैं इनके ट्रैक में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस जो गोकुलधाम सोसाइटी में भाई क्रिसमस की सजावट थी वो भी ठीक है, बाकी हमें अब एक्स्ट्रा सजावट करनी पड़ेगी एंड कह रहे थे कुछ चीज़ें हटा भी दी है, तो अभी चलेंगे सीधा वहीं पर एंड फिर दिखाएंगे आप सब लोगों को क्या मैटर हुआ है वहाँ पर, क्या क्या करना है। और भैंस की तरह, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बैस की बच गई, अरे बच गई बैस की, अरे आज पता स्ट्रॉन्ग आटी है अपनी तो, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, कुछ भी दिक्कत तो नहीं हुई है। अभी चलते हैं सीधा वहाँ पे क्योंकि अरे रे 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 बिडू ये क्या हो गया रे, अबे शीशा गया आगे का, अरे भैंस की टैट रे बिडू, आ ये क्या हो गया रे। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी शीशा लगवाते हैं स्कॉर्पियो का एंड फिर सीधा मिलते हैं आपको अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में। गाइज हम पहुंच गए गोकुलधाम सोसाइटी के बिल्कुल बाहर एंड ओहो क्रिसमस ट्री जितने सारे भैंस की टैटी कर दी रे, ओ माय गॉड ये देखो गाइज कितने सारे क्रिसमस ट्री भैंस की टैट, भाई ये देखो कितने सारे क्रिसमस ट्रीज लगा दिए गोकुलधाम सोसाइटी के एंट्री पे, भाई 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 एंट्री तो भाई पूरी खतरनाक ही हो गई है रे बिडू, क्या बात क्या बात, भाई 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 भाई, ओके। और यहाँ कुछ गाने भी बज रहे हैं, देखो देखो गाइज ये सुनो गाने बज रहे इन चीजों में, वाह वाह बेटे मौज कर दी। और भैंस की भाई भाई कुछ टूट 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 वाट ना जाए रे, आराम आराम से चलना पड़ेगा रे, बिल्कुल ही ओके ओके आराम से और भैंस की टेंट, भाई इतने सारे क्रिसमस ट्रीज जब तो नहीं थे, ओ ये इसके ऊपर लगा रखा, वाह बेटे मौज कर दी, नीचे स्टैंड भी है क्रिसमस ट्रीज के, वाह बेटे वाह, ओ ये बस घुस गया घुस गया। अपने डीजे वगैरह दिख गए होंगे आपको गाइस, ये देखो भाई अपने सारे डीजे, ओ माय गॉड, कभी बीच में खड़ी कर दूं क्या? नहीं नहीं यार साइड में खड़ी करते हैं, अभी किसी कुछ निकालना पड़ा तो भैंस की डीजे वगैरह तो दिक्कत होगी। ये इधर की साइड नहीं यार, कभी धूप में खड़ी करते हैं भाई, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है गाड़ी में। तो ये भैंस की टेंट भाई क्या लग रही है अपनी गोकुलधाम सोसाइटी। तो गाइस गोकुलधाम सोसाइटी में जो बड़ा वाला क्रिसमस ट्री था वो तो जेठालाल अंकल अभी फ़ोन करके बता रहे थे वो हटा दिया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह रुक रहा था वो, एंड न्यू ईयर पे मतलब कि उसको लगवाने का प्लान नहीं है वैसे। भाई बाकी ये देखो भाई क्या लग रही है गोकुलधाम सोसाइटी बर्फ में, बेटे मौज कर दी। ये देखो भाई गोकुलधाम सोसाइटी में पूरी तैयारियाँ हो चुकी है न्यू ईयर की, भाई न्यू ईयर के लिए डीजे वगैरह भी रेडी कर दिए गए हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। ये देखो भाई 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 चार डीजे तो यहीं गिर रखे इन्होंने, बाकी अपने सकोर भी देखो क्या लग रही है मस्त। तो गाइज अब हम करने वाले क्या है, जो हमारी न्यू ईयर की प्लानिंग होगी वो प्लानिंग क्या होगी कि जो ये ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे पूरी लाइटनिंग लगने वाली है क्योंकि न्यू ईयर पे तो भाई लाइटनिंग तो चाहिए ना, यहाँ पे बीच में हम स्टेज रखेंगे क्योंकि यही प्रिपरेशन अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है क्योंकि यही चीज़ें भाई गोकुलधाम में मतलब कि अंकल जी कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल होनी चाहिए, एक नंबर मज़ा आ जाना चाहिए सब लोगों को। बाकी भाई साहब एक नंबर, बाकी इधर की साइड देखो भाई 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 ये क्या भाई क्रिसमस ट्रीज ही क्रिसमस ट्रीज लगा दिए गए इधर प्रिपरेशन के लिए, भाई क्या बात क्या बात भाई, क्रिसमस पे तो कतई मौज मारी इन्होंने यार, मेरी था थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया मैं इनके क्रिसमस पे, वरना और ज़्यादा मज़ा आता आप सब लोगों को। बाकी ये देखो भाई 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 अपना सबसे प्यारा डीजे खड़ा है यहाँ तो, ओहो ये देखो गाइस ये देखो भाई फॉर्च्यूनर डीजे बिल्कुल रेडी हो चुका है गोकुलधाम की न्यू ईयर की पार्टी के लिए, वाह बेटे मौज कर दी। बाकी ये देखो भाई सेंटा से रिलेटेड कलर अभी तक अपने इस वाले डीजे पे, एंड अपना जो है कब्बर डीजे उस पर लाइम ग्रीन कलर करा रखा हमने रैली की वजह से, भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा। बाकी ये देखो भाई पूजा डीजे आपको काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला होगा, ये देखो इधर से दिखाता हूँ भाई, ये पूजा डीजे काफ़ी दिनों बाद आया बुकिंग से, भाई 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 क्या बात मौजी बांधी भाई। तो गाइज अब सीन क्या होने वाला है, इधर की साइड हम वो सब चीज़ें रखेंगे एंड जो पीछे की साइड रहेगा इधर की साइड खाने वाने का रखेंगे, इधर की साइड पूरी टेबलें लगेगी यहाँ पे इधर इधर सारा मतलब कि इधर की साइड मतलब यहाँ पे खाने पीने का रहेगा, एंड जो अंदर रहेगा सीन वो रहेगा पूरा डांस वगैरह करेंगे, बीच में जो स्टेज लगेगा एंड जो ऊपर होगी लाइटें वगैरह लगेगी। तो भाई गोकुलधाम सोसाइटी में ये सब चीज़ें प्रिपरेशन के लिए तो देख लिए हमने क्योंकि यहाँ पे होने वाली है खतरनाक डीजे वाली पार्टी, भाई मज़ा आ जाएगा एक नंबर भाई भाई भाई। पर जो अब कुछ भी कहो यार ये जो चीज़ लग रही है ना भैंस की टेंट, ये देखो भाई कितने सारे क्रिसमस ट्रीज भाई गोकुलधाम में लगा दिए गए हैं भाई, छतों पे भी भैंस की टेंट भाई, ओह ऊपर से प्लेन व्लेन भी जा रहे हैं बिल्कुल ही। ये देखो भाई आपको छत वाले जो दिख रहे हैं ना उनको देखो भैंस की भाई बिल्कुल सही तरीके से लगाए हैं, कुछ गिरेंगे भी नहीं। ये देखो भाई गोकुलधाम सोसाइटी में भाई साहब कितने सारे क्रिसमस ट्रीज है, भाई गोकुलधाम सोसाइटी लिखा हुआ वहाँ पर क्रिसमस ट्रीज, छतों पर भी क्रिसमस ट्रीज,
भाई काफ़ी अच्छा सिस्टम बिठा रखा है बिडू। तो गाइज अभी बस थोड़ी देर में काम शुरू होगा, लाइटें वगैरह लगेगी, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और कल की जो वीडियो होगी उसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी इधर की साइड देखा जाए तो भाई इधर पूरा खाली हो चुका है। तो गाइज हम सोच रहे हैं कि इधर जो ये पेड़ है ये कटवा दें एंड यहाँ पर कुछ पार्किंग वगैरह आप बनवाई जाए गोकुल धाम वालों के लिए, क्योंकि यार उधर ना काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ता है एंड जो हमें आने में भी दिक्कत होती है ना, ट्रक डीजे वगैरह भी लाने ही कह रहे हैं भाई साहब कि ट्रक डीजे वगैरह भी चाहिए उसमें, मतलब कि आवाज़ का थोड़ा इन्हें लग रहा था कि आवाज़ थोड़ी कम है। तो जो ऊपर वाली सोसाइटी दिख रही है आपको वो वाली, वो मतलब एक छोटा सा मतलब कि सोसाइटी टाइप है वो, उसमें से भाई साहब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, यहाँ से आवाज़ नहीं जा रही थी क्योंकि उन्होंने ट्रक डीजे बुक करा था। तो भाई इस बार ये भी ट्रक डीजे बुक करने वाले हैं, तो तीनों ट्रक डीजे कल आएंगे गोकुलधाम सोसाइटी में क्योंकि न्यू ईयर की पार्टी है। बाकी ये देखो भाई एंट्री कितनी रॉयल बना दी है भाई इन्होंने, एक नंबर भाई साहब। ये देखो भाई क्रिसमस ट्रीज लगा दी इधर की साइड, तो पूरा मौजी बांध दी बिल्कुल ही भाई 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 भाई। ये देखो भाई ये देखो भाई एंट्री पे देखो कितनी प्यारी एंट्री बना दी है गोकुलधाम वालों ने अपनी भाई, एक नंबर सिस्टम ही। बाकी यार ये बर्फ़ का थोड़ा सीन हो रहा है, बर्फ़ की वजह से यहाँ पे मतलब पेड़ वगैरह देखो इतने अच्छे तरीके से खिल नहीं पा रहे। बाकी ये वाले आपने पेड़ देखे, ये पिंक वाले जो पेड़ है भाई काफ़ी मस्त लगते हैं जब ये बर्फ़ हटेगी देखना। जैसे अंदर की साइड देखो ये पेड़ बचे हुए हैं क्योंकि पूरी बर्फ़ तो उधर ही रहेगी। बाकी यार इनकी भी कटाई होनी चाहिए बिल्कुल ही। बाकी ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है। बाकी गोकुलधाम सोसाइटी में हमें और क्या क्या चीज़ करानी चाहिए वो आप सब लोग सजेस्ट करते हो। बाकी अपने डीजे वगैरह चेक करनी चाहिए हमें एक बार, भाई जेठालाल अंकल से फ़ोन पे बात कर लें, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से और भी चीज़ें बताते हैं। जेठालाल अंकल से बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि ऊपर लाइटें वगैरह लगनी है और जो चीज़ कह रहा है तो वही होगी। बाकी गाइज वो कह रहे थे फॉर्च्यूनर डीजे का आगे का शोकर वगैरह उठ नहीं रहा था तो वो सब चीज़ें चेक कर लेते। भाई फॉर्च्यूनर डीजे ये देखो, और स्कूटर तो बिल्कुल सही चल रहा है, ये चलाना भी आना चाहिए, पता नहीं किस बुद्धू ड्राइवर को बुला रखा था। बाकी ये देखो भाई ये देखो, अरे फॉर्च्यूनर डीजे तो बिल्कुल ही ओम फो भाई 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 एक नंबर भाई। फॉर्च्यूनर डीजे में तो कोई दिक्कत लग नहीं रही, मैं वो यूं ही कह रहे हैं, मैं इसकी यूं कह रहे थे कि कल रात को मतलब उछल नहीं रहा था वो, ऐसा कुछ हुआ था। बाकी अभी मेरे को तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ये देखो भाई फॉर्च्यूनर डीजे भैंस की, ये देखो इतना ऊपर उछल जाता है फॉर्च्यूनर डीजे तो बिल्कुल ही। बाकी गाइज अपने सारे डीजे तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने चेक भी कर लिया है जो, और वो कह रहे हैं कि जो काम करवाना है वो करवा दियो क्योंकि प्रिपरेशन अब चालू हो चुकी है गोकुलधाम सोसाइटी में बिल्कुल ही। भाई यहाँ पे देखो अंदर की साइड, यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लगवा दें, यहाँ पे मतलब कि इधर की साइड यहाँ से जो लाइटें होगी जो रोशनी मारेगी ना, जो यहाँ से लाइटें निकलेगी भाई वो बहुत ही प्यारी लगेगी गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई डीजे लाइट्स इधर की साइड लगवाने वाले हैं एंड इधर से ये यहाँ पे लगवा देंगे। अभी आइडिया आया था थोड़ी देर पहले जब वो बता रहे थे कि डीजे लाइट्स भी चाहिए एंड दूसरी जो लाइट्स होगी वो इधर से होगी जो कि आपको देखने को मिलेगी न्यू ईयर की पार्टी में, जो कि जो क्रॉस मैच होगी ना जब इधर उधर तो क्या ही लगेगी भाई, मज़ा आ जाएगा आप सब लोगों को। बाकी ठीक है गाइस फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मज़ा आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना फिर ये जो क्रिसमस ट्रीज है अभी की जो मतलब प्रिपरेशन हो गई है वो कैसी लग रही है और जो आगे होने वाली है वो कितनी खतरनाक होने वाली है। तो चंगा फिर अगली गेड़ी।